ये है मुंबई का एक बड़ा हॉस्पिटल और ये है यहाँ का मैटरनिटी वार्ड। यहाँ हर रोज अनगिनत बच्चे पैदा होते हैं। ये है मम्मी नंबर वन, इन्होंने अभी अभी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। कह रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे के कान में एक छोटा सा छेद है, मामूली सा लेकिन है जरूर। ये है मम्मी नंबर टू, जो है मछुआरों की फैमिली से। मम्मी नंबर वन की तरह ये भी अभी अभी माँ बनी है, वो भी एक बेटे की। अब आप कहेंगे इसमें बताने लायक बात क्या हुई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहिए। ये आई सिस्टर्स, इन्होंने दोनों मम्मी नंबर वन और मम्मी नंबर टू के बेटों को उठाया और ले गई नर्सरी और कुछ ही देर में वापस भी रख गई। अब कहानी इतनी सिंपल है तो मजा कैसे आएगा, बिल्कुल किसी 60s की बॉलीवुड फिल्म की तरह। सिस्टर ने मम्मी नंबर वन का बच्चा रखा मम्मी नंबर टू के पालने में और मम्मी नंबर टू का बच्चा रखा मम्मी नंबर वन के पालने में। चलिए जी, यहाँ हो गया सक्सेसफुली बच्चों का एक्सचेंज, जो पता नहीं उसका दुख नहीं। दोनों माएं अपने अपने पालने में रखे गए बच्चों के साथ खुश हैं। लेकिन अब कहानी में आता है ट्विस्ट, होती है मामा जी की एंट्री। जी हाँ, मम्मी नंबर वन के भाई की एंट्री। अब ये साहब कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, ये हैं श्री माधव मंत्री जी, 50 के दशक में खेलने वाले इंडिया के टेस्ट क्रिकेटर। इनकी आंखों से बारीकियां नहीं छुप सकती। कल जब उन्होंने अपने भांजे को देखा था तो उसके कान में एक छोटा सा छेद देखा था, आज वो छेद गायब था। ये रातों रात चमत्कार था या फिर हॉस्पिटल की ही कोई गड़बड़। माधव जी जल्दी समझ गए, भाई यहाँ तो कोई लोचा है। उन्होंने फौरन सभी हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया और कहा कि उनके भांजे को ढूंढ कर लाइए। ज्यादा दूर नहीं, उनका भांजा तो मम्मी नंबर टू के पास आराम से दूध पी के सोया था। तुरंत ही सिस्टर्स ने दोनों माओ के बच्चे उन्हें वापस कर दिए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब आप पूछेंगे ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। जी वो इसलिए क्योंकि अगर मामा जी समय रहते अपने भांजे को नहीं पहचानते तो आज इंडिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट लेजेंड, महानुभाव श्री श्री सुनील गावस्कर अपनी बदली हुई माँ के साथ मुंबई के किसी छोर पे मछली पकड़ रहे होते। जी हाँ, मम्मी नंबर वन का वो बच्चा था सुनील मनोहर गावस्कर। ऊपर वाले तेरी लीला अपरंपार, नहीं तो शॉट मारने और कैच पकड़ने की जगह गावस्कर जी आज मछली पकड़ रहे होते। Thanks, sir.